हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सिटी। माय नेम इज़ अनिकेत। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें सिक्स पैक एब्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसे किस तरीके से करनी चाहिए, और हमें अच्छे एब्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये वीडियो हमारी काफ़ी दिनों बाद आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम आ चुके थे, इस वजह से मैं उनके प्रिपरेशन में लगा हुआ था, बट अब मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, सो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिक्स पैक एप्स हमारे शरीर की वो मसल्स हैं जो हर कोई बनाना चाहता है। अगर आपको अपनी पूरी बॉडी कंप्लीट करनी है तो उसमें सिक्स पैक एप्स काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी एक अच्छी चेस्ट है, अच्छी बाइसेप्स है, अच्छी ट्राइसेप्स है, बट अगर आपके एप्स नहीं हैं तो आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं लगेगी और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। तो इसलिए आपकी बॉडी में एप्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमें अपनी एप्स बनाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे एप्स जल्दी निकलेंगे। तो गाइस, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है क्रंचीज़। क्रंचीज़ आपने सब लोगों ने सुना होगा, यह एप्स बनाने की सबसे कॉमन एक्सरसाइज है जो हर एक पर्सन ज़रूर करता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करते कैसे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने पीठ के बल एक प्लेटफॉर्म पे या ज़मीन पे लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को मिला के और अपने घुटनों को एकदम सीधा रखना है। फिर आपको अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखना है और ध्यान दें कि आपके हाथ एक दूसरे से जुड़े ना हो। फिर आपको ऊपर की तरफ आना है और अपने पूरे एप्स को रिट्रैक्ट करके वापस नीचे की तरफ आना है। जब आप ऊपर आए तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपके घुटने ऊपर की तरफ ना उठे, आपकी एड़ियां ज़मीन से जुड़े रहे। और इस तरीके से कम 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में आपके 25 रेपिटेशन या 20 रेपिटेशन होने चाहिए। तो गाइस, हमारी अगली एक्सरसाइज है हैंगिंग लेग रेज। यह एक्सरसाइज भी एप्स के लिए काफ़ी लाभदायक है और इस एक्सरसाइज को हम क्रंचिस के बाद करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे एप्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है और इससे हमारे एप्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको अब बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले पुलअप बार पर लटकना है, जैसे कि हमने आपको पिक्चर में दिखा रखा है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करके ऊपर की ओर 90 डिग्री एंगल तक ले आएं और फिर थोड़ी देर होल्ड करके वापस उसे धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन में ले जाएं। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के कम से कम 3 सेट करने हैं और हर सेट्स में आपके 20 से 25 रेपिटेशन होंगे। तो गाइस, हमारी अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन नी रेज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एक इंक्लाइन बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। इंक्लाइन बेंच यानी ऐसी कोई सी भी बेंच जिसके ऊपर हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी से थोड़ी ऊंचाई पर हो, जैसा कि हमने आपको पिक्चर में दिखा रखा है। तो गाइस, इस एक्सरसाइज को करनी कैसे है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सबसे पहले बेंच पे अपने पीठ के बल लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को बंद करके अपने चेस्ट की तरफ लाना है। ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज को करते समय आपका पेट यानी स्टमक एकदम टाइट रहना चाहिए और इस एक्सरसाइज के भी आपको कम से कम 3 सेट लगाने हैं और हर एक्सरसाइज में आपके कम से कम 24 से 25 रेपिटेशन होने चाहिए। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है डंबल साइड बेंड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें 2 डंबल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हम लोग होम वर्कआउट करते हैं तो हम 2 ईंट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंधों की चौड़ाई के हिसाब से अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी को एकदम बैलेंस रखें। फिर अपने एक हाथ में एक डंबल रखें और ध्यान रहे कि आपका डंबल आपकी बॉडी के एकदम सीध में होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया है। उसके बाद अपना दूसरा हाथ अपनी पीठ पर रख के उसी और साइड में झुकें। ध्यान रहे, झुकते समय आपको सिर्फ अपने कमर की ओर से ही झुकना है, अपने पैर और अपने घुटनों की तरफ से नहीं झुकना। इस तरीके से फिर आप नीचे जाके फिर दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं और फिर आप दूसरी साइड की ओर भी सेम चीज़ करें। और जब आप दूसरी साइड की तरफ करेंगे तो डंबल आपके दूसरे हाथ में होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप चेंज करके अलग अलग रेपिटेशन में दोनों साइड ट्रेन कर लें। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट्स मारने हैं
और हर सेट में कम से कम 10 या 12 रेपिटेशन होने चाहिए। तो गाइस, आज मैंने आपको सिक्स पैक एब्स बनाने की 4 एक्सरसाइज बताई हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्लैंक एक्सरसाइज के बारे में बताया था, तो आप एक फिफ्थ एक्सरसाइज प्लैंक को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिक्स पैक्स ऐप बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये तो थी हमारी सारी एक्सरसाइज जो हमें ऐप्स बनाने के लिए करनी होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ऐप्स बनाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान देना होता है। तो गाइज, उसमें सबसे पहली चीज़ है, वो है सही मात्रा में प्रोटीन लेना। अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारे सिक्स पैक के साथ साथ हमारी बॉडी के दूसरे मसल्स भी ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसलिए हमें एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद सही मात्रा में प्रोटीन लेना आवश्यक है। और दूसरी बात, हमें ऑयली फूड और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना होगा। अगर आपको अच्छे ऐप्स बनाने हैं तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट प्लान से ज़रूर निकाल दें। और जैसा कि लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो हमारी जल्दी ऐप्स निकल जाएंगे, तो वैसा नहीं होता। कुछ लोग एक दिन में हजार हजार क्रंचेज मारते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो उससे भी आपकी ऐप्स जल्दी ग्रो नहीं होंगे। इसलिए जितना मैंने आपको एक वीडियो में बताया है उसी हिसाब से आप करें, और आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।